आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सेवा आयोजन विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला में आज हम आप पहुंचे और आपको दिखाएंगे यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो क्या है। तमाम यहाँ पर जो युवा हैं वो मौजूद हैं रोजगार पाने के लिए। तो आज हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। तमाम यहाँ पर जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या है यहाँ पर स्थिति। इतने सारे जो युवा हैं वो यहाँ पर रोजगार पाने की उम्मीद से आए हुए हैं। तो हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या है यहाँ पर युवाओं का कहना। साथ ही साथ कंपनियाँ दिखाएंगे हम, कौन कौन सी यहाँ पर कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर आ रखी हैं, तो उसको हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं। और अब यहाँ पर कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम? तान्या। तो आप यहाँ पर आ जा रखे हैं रोजगार की तलाश? मुझे मतलब जिसमें भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ तो है नहीं, कहीं बेरोजगारी घूम रहे हैं। 12वीं के बाद घर वालों ने बोला सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सिर्फ किसको मिलती है? रिजर्वेशन वालों को। तो रोजगार ही ढूंढना पड़ता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरी है जिन पर रिजर्व नहीं है उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल तो जाता है, पर ये है कि धक्के खाने पड़ते हैं। एक बच्चे को मिडिल क्लास फैमिली को क्या सिखाया जाता है बचपन से कि पढ़ो पढ़ो टॉप करो टॉप करो, टॉप करने पे आओ तो रिजर्वेशन के चक्कर में मार खा जाते हैं। और फिर यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, सैलरी उस हिसाब से। अभी आपने जो इंटरव्यू दिया उसका क्या परिणाम रहा, क्या आपको यहाँ पर रोजगार मिला? हाँ सर, मिला तो है एक दो जगह, कल इंटरव्यू के लिए बुलाया, अब देखते हैं। अभी हमारे साथ एक और युवा हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव है। आज आप यहाँ पर आ रहे हैं रोजगार की आपके अंदर इच्छा है, किस किस कंपनियों का अभी तक आपने अपना इंटरव्यू दिया है? अभी तो मैंने 3-4 कंपनियों का इंटरव्यू दिया है और अभी सडन एक और कंपनी का इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, तो कुछ डेट वेट फिक्स हुई आपकी इनके साथ? अभी तो डेट फिक्स नहीं है, अभी सभी लोगों ने बुलाया है कि कल आना, कोई बोला है परसों आना, जैसा जिसको लगा। अब एक मैं बोली है कि अभी ओवर इंटरव्यू होगा। मेरा नाम अमित कोठारी है, मैं टीरी गढ़वाल से हूँ। सर, आप टीरी गढ़वाल से हैं, आज रोजगार की तलाश में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रखे सर, यहाँ लाइन पे लगे हैं, देख रहे हैं रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर सरकार ये करेगी तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। अभी तक आपने किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे दिया है? वैसे तो सर मैं अभी जॉब करता हूँ, लेकिन उस पर्पज से मुझे जॉब उस हिसाब से नहीं मिल पा रही, अभी आ रखो यहाँ पे, देखते हैं फिर क्या होता है। तमाम यहाँ पर कंपनियाँ हैं, कोई विशेष कंपनी जिसको आप दिमाग में लेकर यहाँ पर आए हो, आपने सोचा हो यहाँ? सर मेरा तो वैसे मैकेनिकल से अभी कोई रिक्वायर्ड आए नहीं रखे हैं, और महिंद्रा कंपनी है वो लेती है कि नहीं लेती अभी कंफर्म करना रह गया है। आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है जो देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी का क्या है सर, बेरोजगारी तो हर साल आती है, हर साल कॉलेज से स्टूडेंट पास आउट होते हैं, रोजगार नहीं मिल पाते, कुछ लोग अदरवाइज अपने फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में चले जाते हैं जॉब के लिए। सर, आपका नाम? सर विनोद ममगई। सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं काशीपुर उधम सिंह नगर से हूँ। हाँ जी, तो आज आप रोजगार की तलाश पाने के लिए आए हैं। सर, कौन कौन सी मुख्य कंपनियों में आपने अपना रिज्यूमे डाला है? सर अभी तो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, उसमें भी मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और मैं वहाँ गया तो मेरा रिज्यूम सबमिट करा और उन्हें थोड़ी बहुत कंडीशन प्रोसेस बताई कि हम एज ए फ्रेशर तौर पर रखेंगे, बाकी यहाँ एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है। और जिस ट्रेड से मैं आया था, मैं ITI इलेक्ट्रीशियन से हूँ, मैंने 4 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है मुझे, फिर भी मुझे रिस्पांस यही मिला कि उन्होंने रिज्यूम तो सबमिट कर लिया है पर कह रहे हैं कि एज ए फ्रेशर तौर पे हम आपको 1-2 दिन में कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्या लगता है आपको जो यहाँ पर एक सरकार द्वारा ये मेला जो आयोजित किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, सरकार ने अच्छी निकाली है मुहिम की रोजगार मेले का, पर जो रोजगार मेला में जो कंपनियां सार के उनके एम्प्लॉय हैं वो उनसे ज़्यादा रिस्पांस की उम्मीद हमें ज़्यादा लगती है, पर हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो अपनी तरफ से सही काम कर रही है कि रोजगार मेला का अवसर दे रही है, बट यहाँ जो कंपनीज आ रही हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें सही रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। आप एज देख लो, अगर किसी की 35 हो गई है तो वो यहाँ से निराश होकर जाएगा, क्योंकि 32 मैक्सिमम एज है, तो उसके लिए अब मेन चीज़ क्या है, एक्सपीरियंस जितना होगा उस हिसाब से एज भी आपकी ऊपर एवो होगी, तो उसके हिसाब से कंडीशन बहुत हाई हो रही है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंह राणा है। सर, आप कहाँ से हैं? सर उत्तरकाशी ब्रह्मखाल से। देहरादून आप पहुँचे हैं रोजगार स्वरोजगार की तरफ बढ़ते कदम को और जीवन के पहलू को देखते हुए, बेरोजगारी है, घर परिवार चलाना है, पढ़ाई लिखाई की है, अभी तक कोई उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं आ पाई है कि
जिसमें हम फॉर्म भर सके और निकाल सके। बेरोजगार घर परिवार की स्थिति को देखते मद्देनजर रखते हुए सरकार के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, राज्यपाल महोदय हो, मुख्यमंत्री जी हो गए, उत्तराखंड सरकार के मंत्री हो गए, विधायक हो गए, फिर कई तरह के जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे बातचीत करके कि रोजगार स्वरोजगार, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड में जो रोजगार की स्थिति है, जो रोजगार है वो कैसा है उत्तराखंड में, रोजगार की स्थिति कैसी है? देखो उत्तराखंड में रोजगार की स्थिति तो अगर तीन मुद्दों पर ही आपने देखा हो, उत्तराखंड में अगर सरकारी क्षेत्र का रोजगार देखा जाए, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, तो उसमें इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा रोल है। दस पास के बाद एक गरीब माँ का बेटा यही सोचता है कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हूँ, मेरा सपना ये है, मेरा लक्ष्य है। उसके बाद रोजगार के विषय में अगर बात करें तो जो उत्तराखंड में जो खास तौर पे गढ़वाल के अंतर्गत देखा जाता है, होटल मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की नौकरियाँ ही गढ़वाल में ज़्यादातर फेमस है प्राइवेट सेक्टर में। सर आपका नाम? शाकिब रहमान। सर आपने अभी आप आए हैं रोजगार मेले में, क्या सोच के आए? पहली बात तो कौन कौन सी कंपनियाँ आपके ख्याल में हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहेंगे? सर मैं ये आया हूँ कि महिंद्रा और बजाज में मैं ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मैकेनिकल से हूँ, डिप्लोमा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैकेनिकल में मतलब ढूंढ ही रहा हूँ अभी, महिंद्रा और बजाज में जाना चाहूँगा मैं। रोजगार मेले में तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो यहां पर आ रही है, उसमें से एक HDFC भी यहां पर जो बड़ी कंपनी है वो यहां पर आ रही है, उनके जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? राजेश चौहान, HDFC लाइफ से। कैसे युवाओं की आपको तलाश है जिनको आप रोजगार देना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ इंश्योरेंस में जिसने मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th किया हो तो हमारे यहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर वो इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम उसमें फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी लेते हैं, एज ए टीम लीडर भी उनको रिक्रूट कर रहे हैं, तो ताकि वो अपने जितना काम करेगा उतना उसको सैलरी प्लस इंसेंटिव वगैरह सब आता है हमारे यहाँ ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होने वाली है इस जॉब के लिए वो क्या होने वाली है सर? मिनिमम रिक्वायरमेंट एजुकेशन में हमें 12th चाहिए बस, फ्रेशर भी हम लोग ले रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि उसके स्किल्स पे वो किस पोस्ट के लिए वो है परफेक्ट बैठेगा। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक कैफ़े HR करके है, जिनको अपने कंपनी में जिनको युवाओं की तलाश है, आप देख सकते हैं सीधा वहाँ पे कैफ़े HR करके। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं जो कैफ़े HR कंपनी है उसमें किस किस लोगों की या किन किन युवाओं की ज़रूरत है, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स एंड HRMMS, और यहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए है, अप्रेंटिस है, ट्रेनिंग्स हैं, गवर्नमेंट ITIs हैं, हमारे स्टूडेंट आ रखे हैं। आपको कैसे, अगर आपको जो आपके युवा आते हैं आपसे पूछते हैं कि हमें भी रोज़गार चाहिए, तो किस तरीके से क्वालिफिकेशन तो ऐसा है, बच्चा हमारे यहाँ ITI करता है और ITI में क्या होता है, टेक्निकल कोर्स हैं सारे, उस बेस पे जो है कंपनी आती है और जो है उस हिसाब से प्लेसमेंट होता है, बच्चे के ट्रेड के हिसाब से होता है, इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है, अलग अलग ट्रेड होते हैं, उसके हिसाब से बच्चे की क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनी आती है उसको प्लेसमेंट करती है। फूड कंपनी स्विगी भी हमारे साथ है यहाँ पर, यहाँ पर उनसे पूछते हैं उनको किस किस तरीके से वो यहाँ पर रोज़गार देने के लिए आ रखे हैं। सर आपका नाम? सुभाष। आपको किन युवाओं की तलाश है, किन युवाओं को आप रोजगार देने आता है? देखिए सर ऐसा है कि मतलब हम तो किसी को भी दे सकते हैं, हमें चाहिए मेनली पार्ट टाइम जॉब के लड़के जो काम कर सकते हो पार्ट टाइमली, मतलब आप कोई भी लड़का हो इजीली काम कर ही सकता है इस जॉब फील्ड में, तो मेनली वही हमारे टारगेट रहते हैं जो कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे लड़के आए हैं इनको मतलब किसी साथ अच्छी जॉब की तलाश होगी, पर हम ये कह रहे हैं कि जब तक आपकी नहीं लग रही है तब तक एटलीस्ट आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा रोज़गार मिल जाएगा उसमें, और सैलरी भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम मिलेगी, 10,000 से 15,000 पार्ट टाइम में इजीली कोई भी लड़का कमा सकता है। पार्ट टाइम में टाइमिंग्स क्या होने वाली है? पार्ट टाइम में शाम की रहती है 6 से 11 की, हाँ, और एक हमारा चलता है जो फ्री टाइम चलता है, आप उसमें किसी भी टाइम लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप लॉग आउट कर सकते हैं, कोई कंपलसन नहीं है। सवाल उठता है सर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या चाहिए? लड़के के पास DL हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट वगैरह, उसका DL नहीं है तो हम उसकी साइकिल ID क्रिएट करते हैं, वो साइकिल में भी काम कर सकता है। तो कोई भी लड़का हो अगर उस पर मतलब अपना खुद का व्हीकल है, चाहे वो साइकिल हो या बाइक हो, वो इजीली इसमें वर्क कर सकता है। तो देखा आपने, अभी हमने आपको दिखाया जो फूड डिलीवरी पार्टनर स्विगी जो कंपनी है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं युवाओं के लिए। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं यहाँ पर SBI लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो भी यहाँ पर है, और उनको भी यहाँ पर युवाओं की तलाश है रोज़गार के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं। सर आपका नाम? कमल सिंह। आपको आज किस किस तरीके से जो जॉब हैं वो आप आज डिस्ट्रीब्यूट करना है, साथ ही कैसे युवाओं की आपको तलाश? हमें तलाश है ऐसे युवाओं की जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं,
और एक अच्छे कैंडिडेट की जो ऑलरेडी मार्केटिंग में, क्योंकि हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो डेवलपमेंट मैनेजर की हैं, तो ऐसे लोगों की हमारे को तलाश है जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो या फिर जिनको मार्केट का नॉलेज है, अच्छा MBA पास आउट है, ऐसे लोगों को हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं। अभी सवाल ये उठता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इस जॉब के लिए वो क्या है? देखिए, उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग फ्रेशर को भी कंसिडर कर लेते हैं। देखा आपने, अभी हमने आपको दिखाया SBI जैसी बड़ी कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो फ्रेशर्स को भी ले रही हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो भी कोई फ्रेशर्स है वो यहाँ पर आके अपना रिज्यूमे इन्हें दे सकता है और एक अच्छी खासी जॉब ले सकता है। रोजगार मेला में तमाम कंपनियों में से एक HDFC लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पर कंपनी है, वो भी यहाँ पर आ रखी है और उनके जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम एकपर्णा गुप्ता। तमाम यहाँ पर जो युवा आ रहे हैं रोजगार की तलाश में, उनके लिए HDFC में पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं? हमारे पास फ्रेशर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं और एक्सपीरियंस के लिए भी, पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल हैं। अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है विद देयर जॉब्स और देयर लाइफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ्स हैं या कोई नॉन वर्किंग पर्सन है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जॉब यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए हमारे पास जॉब्स हैं जो कि ग्रेजुएट, जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, उनके लिए हमारे पास जॉब्स अवेलेबल हैं, जो कि ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर लिए उन लोगों ने, तो वो लोग यहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज वर्किंग एज अ फ्रेशर इन टू अ गुड कंपनी गिव्स यू अ ब्रांड किक, है ना। सो जब भी आप एक गुड ब्रांड के साथ कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको आगे भी एक ग्रोथ मिलती है इन योर करियर। अगर कोई करियर ओरिएंटेड है डेफिनेटली HDFC लाइफ को ज्वाइन करेगा, मतलब दैट इज द मेन फोकस ऑफ आवर्स। एकेडमिक्स में मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? हम लोग ग्रेजुएशन भी ले रहे हैं, 12 पास आउट्स भी ले रहे हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन इज अ कंपलसरी थिंग, बट अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है 12 पास आउट है देन ऑल्सो वी कैन हैव अ पार्ट टाइम जॉब फॉर देम। तो रोजगार मेले में एक और कंपनी टाटा AIG इंश्योरेंस करके भी आ रही है, उनके जो कर्मचारी हैं उनसे पूछते हैं। मैम, माय नेम इज पूनम जेयर एंड आई एम वर्किंग एज एन ASM आउट इन टाटा AIG। तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब के लिए वो क्या होने वाले? सो बेसिकली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम लोग दो स्लॉट में हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। एक स्लॉट में बेसिकली 10th से 12th तक हम लोग देख रहे हैं, जो दूसरा स्लॉट है दैट इज़ फॉर दी ऑन रोल जॉब, उसमें हम लोग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन देख रहे हैं। सबके मन में जो भी यहाँ पर आता है रिज्यूमे देने, उनके मन में एक सवाल होता है सैलरी को लेकर, तो मैं आपसे पूछूं सैलरी क्या होने? तो सैलरी जैसे मैंने आपको बोला, जो हम लोग फ्रेशर या प्रोड्यूसर जिसको हम लोग बोलते हैं उनके लिए हम लोग 10th से 12th का है, लेकिन उनका जो है वो कमीशन बेस्ड रहता है। जो दूसरा सेगमेंट है उसमें हम लोग 30,000 से 35,000 तक का सैलरी देते हैं, जो हमारा चैनल सेल्स मैनेजर की पोजीशन। तो अभी इस वक्त हमारे साथ क्षेत्र से आयोजन अधिकारी अजय सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या आज की स्थिति रही रोजगार मिलने की। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, बताना चाहूँगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय और निदेशक महोदय के दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में आज क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग हमारे पास में 38 कंपनीज जो शुरू में कम थी पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 38 तक पहुँच गई, प्रतिभाग किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी और ब्रांडेड कंपनीज अवेलेबल हैं, और जिनमें कि जो पद हैं जिनके लिए विज्ञापित किए गए हैं वो भी बहुत अच्छी श्रेणी के पद हैं। हमारे पास लगभग मिनिमम एजुकेशन 8 से लेके आप BSc नर्सिंग तक, बी फार्मा तक की वैकेंसीज अवेलेबल है और अलग अलग क्षेत्रों में अवेलेबल हैं। रोजगार की बात होती है तो खासकर युवाओं में एक आस होती है कि क्या इस कंपनी में मैं लग सकता हूँ, क्या ये कंपनी मेरा रिज्यूमे एक्सेप्ट करेगी, तो जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, सर उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं युवाओं से खासकर? देखिए, जितने भी एम्प्लॉयर्स हमारे पास में आते हैं, जो भी अपनी वैकेंसीज़ को हमें पोस्ट करते हैं, तो हम उनसे पहले एक बार पूछते हैं कि आप किस स्तर के युवाओं को लेना चाहेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रीरिक्विजिट अगर कोई है, कोई एक्सपीरियंस आप मांगते हैं तो वो क्या है, फिर उन्हीं को लेके हम आपके माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं और बच्चों से अपेक्षा करते हैं जो उस पर खड़े उतरते हैं वो लोग प्रतिभाग करें, ताकि उनके जो जॉब को लेने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो सके। पंजीकरण की जो संख्या थी वो कितनी रही इस बार रोजगार में? देखिए, हमने सभी लोगों को लगभग 10 दिन का समय दिया और उसमें लगभग 1500 बच्चों ने हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, और उसके अलावा भी कम से कम 500 बच्चे या 600 बच्चे जो युवा अभ्यर्थी हैं वो हमारे पास आज के दिन भी आएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उत्तराखंड से, उत्तराखंड के अन्य जनपदों के भी हो सकते हैं, क्योंकि विकल्प सभी के लिए अवेलेबल है। एक सवाल ये उठता है, दुर्भाग्यवश जिन युवाओं का ये रोजगार मेले से इस बार चांस छूट गया या कुछ कारणवश नहीं आ पाए, उनके मन में एक सवाल ये उठता है कि अगली बार कब होगा सर?
देखिए हम कोशिश करेंगे क्योंकि विभाग के निर्देश हैं कि ये कंटिन्यूस प्रक्रिया और चलती रहेगी। जैसे ही हम अपना होमवर्क पूरा करेंगे, होमवर्क पूरा करने से आशय ये है कि जैसे हम जो हमारे पास अभी कंपनीज हैं जो बचेंगी उनसे दोबारा संपर्क किया जाएगा, उनकी वैकेंसीज को कलेक्ट करना पड़ता है कि वहाँ पे सर्वे करके उनसे बातचीत करके उन्हें कंपाइल करके जल्दी कोशिश करेंगे कि विद इन वन मंथ या टू मंथ दोबारा से इस रोजगार मेले को रिपीट किया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ क्षेत्र संयोजन अधिकारी अजय सिंह जी। उन्होंने बताया कि अगली बार भी युवाओं के लिए ये रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो देखा आपने, हमने आज आपको दिखाने का प्रयास करा कि कैसा रहा रोजगार मेला, कितनी कंपनियां यहां पर आई थी रोजगार देना युवाओं के लिए। खासकर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात ये रही कि यहां पर तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो यहां पर मौजूद थी और उन्होंने काफ़ी हद तक युवाओं को रोजगार दिया। तो इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जयभारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत अपने सहयोगी प्रतीक शाली के साथ। मैं विवेक रावत, जयभारत टीवी। We'll be right back.